पीटीआई के अंदरूनी हलकों में ये तासुर आम है कि इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी का सदर लगाकर दरअसल मामू बनाया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के आइन में सदर का ओहदा ही मौजूद नहीं। ख्याल रहे कि 7 मार्च को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के दस्तखतों के साथ चौधरी परवेज इलाही की तकरूरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि रिजीम चेंज के बाद से अब तक चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डट कर खड़े रहने वाले चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी बयान में कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी फवाद हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की और मुलाकात में परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ का सदर बनाए जाने का नोटिफिकेशन और मुबारकबाद दी, जिसके बाद ट्विटर पर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इमरान खान ने जो एतमाद किया इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और इमरान खान के साथ डट कर आइन और कानून की सरबुलंदी की जदोजहद करेंगे। चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने ट्वीट में कहा के इमरान खान का शुक्रिया और हम आपको मायूस नहीं करेंगे। ताहम अब इंकशाफ हुआ है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी का सदर तो मुकरर कर दिया है, ताहम इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए पार्टी के आइन में ये ओहदा मौजूद नहीं है। इत्तफाक की बात है कि तकरूरी ऐसे वक्त पर की गई जब पीटीआई आइन बचाओ अदलिया बचाओ मुहिम शुरू करने जा रही है। 7 मार्च को पार्टी चेयरमैन के नोटिफिकेशन में परवेज इलाही को पार्टी का सदर बनाया गया है। पार्टी के सबक सदर मखदूम जावेद हाशमी थे, लेकिन उनके बाद ये ओहदा खाली रहा। पार्टी के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी के आइन में अगस्त 2022 में तरमीम की गई थी, जिसके बाद सदर का ओहदा खत्म कर दिया गया था। इत्तफाक की बात है, परवेज इलाही को पार्टी का सदर बनाए जाने का ऐलान किए जाने के वक्त फवाद चौधरी उनके साथ खड़े थे, हालांकि सदर का ओहदा पार्टी आइन से खत्म हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, आमिर कियानी, असद कैसर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, मजारी, हमाद अजहर, सैफुल्ला नियाजी और दीगर लोग भी इस कमेटी का हिस्सा थे, जिसने पार्टी के आइन में तरमीम की थी। पीटीआई के पार्टी आइन के मुताबिक अगरचे सूबाई सतह पर ओहदे मौजूद हैं, लेकिन पार्टी के सदर का ओहदा मौजूद नहीं है। इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और इनके बाद दूसरा बड़ा ओहदा शाह महमूद कुरैशी यानी वाइस चेयरमैन का है। इसके बाद सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है जो असद उमर के पास है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, सीनियर नायब सदर, नायब सदर, ज्वाइंट सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ विंग्स के सेक्रेटरीज के ओहदे हैं। ताहम यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या पार्टी चेयरमैन आइन में तरमीम के बगैर कोई ओहदा तख्लीक कर सकते हैं। कुछ पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक पार्टी चेयरमैन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि इन्हें ऐसा इख्तियार हासिल नहीं। एक माहिर कानून का कहना था कि इमरान खान पार्टी के आइन के शिख 8 के तहत ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक स्ट्रेटेजिक या हंगामी नौयत के मामले में देखें तो चेयरमैन पार्टी के आइन की शिकों से हटकर ऐसा कोई मैकेनिज्म तश्कील दे सकते हैं जिससे ऐसी जरूरियात पूरी करने में मदद मिल सकती है। चेयरमैन को इख्तियार है कि जरूरत के तहत ऐसे फैसले कर सकता है। इसमें मजीद लिखा है कि ऐसी शिकें उस वक्त तक फाल रहेंगी जब तक चेयरमैन चाहे और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अगर इस तरह के इकदामात की वजह से पार्टी के आइन की कोई शिक मुतासिर होती है तो मुतासिर होने वाले आर्टिकल पर आर्टिकल 4 की रोशनी में अमल किया जा सकता है और ये तरमीम पार्टी की नेशनल काउंसिल या फिर कुल रुकनियत के 10वें हिस्से पर मुश्तमिल अफराद पेश कर सकते हैं। पार्टी आइन के तरमीम शुदा हिस्से पर चेयरमैन के दस्तखत के साथ इसकी नकल इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जा सकती है। ताहम पार्टी आइन देखें तो इसमें चेयरमैन को ये इख्तियार हासिल नहीं कि वो आइन में तरमीम किए बगैर कोई ओहदा तख्लीक कर सकें। ताहम तहरीक इंसाफ के पार्टी आइन के मुताबिक चेयरमैन को तफवीज़ किए गए इख्तियारात के मुताबिक इमरान खान को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से कोई ओहदा तख्लीक करें और उस पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दें। इस तरह सियासी दरबदरी के शिकार चौधरी परवेज इलाही की तहरीक इंसाफ के सदर के तौर पर तैनाती सिवाय जबानी जमा खर्च के कोई मायने नहीं रखती। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।